रावलपिंडी से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मसीही अकलीती रहनुमा सेनेटर कामरान माइकल ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में मुस्बत किरदार अदा करने के लिए मसीही कम्युनिटी का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली में मसीही अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। इन ख्याल का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ बिशप हाउस रावलपिंडी के दौरे के मौका पर आर्च बिशप रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस डॉक्टर जोसेफ अरशद से खसूसी मुलाकात में किया। इस मौका पर अमन कमेटी के मेम्बरों ने नुमाइंदा बराए बैन मजाहब हम आहंगी बाबू साजिद अमीन खोखर और दीगर भी मौजूद थे। सेनेटर कामरान माइकल ने कहा है कि जायज हकूक के हसूल और दरपेश मसाइल के हल के लिए मसीही कम्युनिटी का इत्तेहाद मिसाली साबित होगा। म्यूनसिपल कमेटी हाफिजाबाद में डेली वेजेस पर भर्ती किए गए 100 सैनिटरी वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट बहाल न होने से शहर भर में सफाई सुथराई का काम मुतासिर होने लगा। सीबीए यूनियन के चेयरमैन इसहाक होकर ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमेटी के पास पहले ही सैनिटरी वर्कर्स की शदीद कमी थी और अब डेली वेजेस पर भर्ती 100 के करीब सैनिटरी वर्कर्स को फारिग कर दिया गया है। ताहाल कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का लेटर जारी नहीं हो सका। शहर में सफाई सुथराई का काम शदीद मुतासिर हो रहा है। हाद लेबर यूनियन के ऑफिस में अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम यूसी के सब इंस्पेक्टर और तीनों सीएसआई गुलशन जोन के मौजूदगी पर इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि ईद उल अजहा पर काम करने वाली प्राइवेट लेबर और सोजो के बकाया चार जो ठेकेदार की जानिब से अदा नहीं किए गए उस पर एडी गुलशन से राब्ता किया गया और एडी गुलशन ने कहा कि 3-4 दिन से मैं राब्ता कर रहा हूँ, लेकिन ठेकेदार नसीबुल्ला से राब्ता नहीं हो रहा। बाद इस सारे मामला को मद्देनजर रखते हुए एडी कराची सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निजामानी से राब्ता किया गया और उन्होंने ठेकेदार से बात करने का कहा, लेकिन राब्ता न होने पर चाइनीज कंपनी के एक आला अफसर मिस्टर अजीज से बात हुई। इस पर मिस्टर अजीज ने तमाम सब इंस्पेक्टर यूनियन और तमाम सीएसआई को ऑफिस में बुलाया और खुद किसी मसरूफियत के बायस ऑफिस ना पहुंचने पर मिस्टर वांग से मुलाकात करने के लिए कहा गया, जिस पर मिस्टर वांग ने इमरान सईद ट्रांसलेट के लिए बुलवाया और बुलाने के बाद इमरान सईद ने चीनी जुबान में उन्हें बहकाया और बाद तमाम सब इंस्पेक्टर और तीनों सीएसआई और यूनियन के अहदेदारों से बदतमीजी की और बदकारी करते हुए उनसे कहा कि आप ऑफिस से निकल जाएं वरना संगीन नतायज होंगे, जिस पर तमाम यूनियन ने अपने तमाम अहदेदारों को और सब इंस्पेक्टर और तीनों सीएसआई की मौजूदगी में आखिरकार ये फैसला किया। चाइनीज ट्रांसलेट सईद इमरान को डिस्ट्रिक्ट से निकाला जाए। बाद तमाम मामला से ईडी कराची सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निजामानी को आगाह किया गया और ये भी फैसला किया गया कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो पीर को अगला लाहे मल तय किया जाएगा। वफाकी वजीर इंसानी हकूक मियाँ रियाज हसैन पीरजादा ने कहा है कि आइन, जात पात, मसलिक और मजहब से बालातर अपने तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक की जमानत देता है। मजहबी इम्तियाज तफरीक की हर सूरत की हौसला शिकनी और रोकथाम से अकलियतों के हकूक का तहफ्फुज़ और फरोग हमारी आइनी जिम्मेदारी है। इन ख्याल का इजहार उन्होंने यहाँ सिंध असम्बली के रकन एंथनी नवीद की सरबराही में कौमी लाबंग बराए अकलीती हकूक के वफद से मुलाकात के दौरान किया। वफद ने वजीर को हालिया तहकीकात जो मुल्क में मुख्तलिफ अकलीती बरादरियों को दरपेश मसाइल पर की गई है के जरिए जमा किए गए अदाद व शुमार के बारे में बताया। इस मौका पर वफाकी वजीर ने मेम्बरान को अकलीती हकूक के तहफ्फुज के लिए अपनी तमाम कोशिशों की यकीन दहानी कराई। वजीर ने सिंध में हिंदू बरादरी के साथ जुल्म सितम और इम्तियाजी सलूक की मजम्मत की। उन्होंने मजीद कहा कि अदम बर्दाश्त ने हमारी समाजी बनावट को शदीद नुकसान पहुँचाया है, जिसे हम रोशन ख्याली और दर्स व तदरीस मदद से ही ठीक कर सकते हैं। जमात इस्लामी अहल किताब विंग के जरिए तमाम हंसा कलोनी G8 में दर्जनों मसीही खानदानों ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI को छोड़कर जमात इस्लामी अहल किताब विंग में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर मुनक़दा शमूलियती जलसे से नायब अमीर और साबिक मेंबर कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद असलम, जिलाई नायब अमीर और ग्रुप लीडर NA47 काशिफ चौधरी
उम्मीदवार चेयरमैन जावेद एवान, जमील खोखर, शमशेद मसीह और दीगर ने भी खिताब किया। मियां मोहम्मद असलम ने कहा है कि जमात इस्लामी मसीही बरादरी को पाकिस्तान की आबादी का अहम जज़्व समझते हुए उन्हें तमाम आईनी और कानूनी हकूक और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर की अज़म का इजहार करती है। पाकिस्तान की तरक्की और तामीर में मसीही बरादरी का नुमाया किरदार है जो किसी भी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। काशिफ चौधरी ने कहा है कि जमात इस्लामी मसीही अफराद के साथ जानबदाराना और गैर मुनसफाना सलूक का अजाला करेगी। मियां अकरम उस्मान को MPPP 158 बनने पर आसिफ भट्टी, सीनियर रहनमा PTI पंजाब और उनकी टीम में शामिल चौधरी इशफाक, गोगा नंबरदार, अमजद बलोच, शहजाद गिल, नरवान आइजिक, नदीम शाकर, सलीम सोत्रा, असलम कामी, जेम्स मुगल, काशिफ बुरर, राजू नेहरा और अशरफ बाबू ने PTI लाहौर ऑफिस में मियां अकरम उस्मान की तारीखी फतह पर उन्हें खसूसी मुबारकबाद पेश की और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। इस मौके पर आसिफ भट्टी ने कहा है कि PTI की जीत अकलियतों की जीत है और हम अपने कायद इमरान खान के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर कामयाब करवाते रहेंगे। इस मौके पर आसिफ भट्टी की जानिब से तकरीब के शुरका में मिठाई भी तकसीम की गई। आईने 245 के ज़मीनी और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ईसा नकवी में पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़े अवामी इज्तमा का इनेकाद किया गया जिसमें खवातीनों बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। जलसे से पीपल्स पार्टी कराची के सेक्रेटरी रिकॉर्ड एंड इवेंट्स नवीद भट्टी, आईने 245 के उम्मीदवार दानिश खान, UC चेयरमैन के उम्मीदवार सनम बलोच, वाइस चेयरमैन अनवर गौरी और जनरल कौंसलर के उम्मीदवार अदनान बूटा मसीह ने खिताब किया। कसूर हामिद मुख्तार के डेरे पर तहरीक इंसाफ की जीत का जश्न मनाया गया जिसमें मिनोरिटी विंग ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर हल्का ने 132 कसूर के उम्मीदवार मेहर मोहम्मद, सलीम एडवोकेट, हामिद मुख्तार नायब सदर कसूर, सरवर खान मियां साहब का जिला सदर कसूर, अशरफ माइकल साहब का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब, नईम इकबाल भल्लर साहब का सीनियर नायब सदर मिनोरिटी विंग कसूर, मेहर बाबा रफीक सदर तहसील कसूर, अफजल कसूरी, रमजान कमर साहब का जनरल सेक्रेटरी मिनोरिटी विंग तहसील कसूर और दीगर कारकुनान ने इमरान खान के साथ इजहार यकजहती की और इत्मीनान का इजहार करते हुए भरपूर खुशी का इजहार किया।